जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के विरोध में शनिवार को महानगर के युवाओं द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया कि इस दौरान दुकानदारों ने युवाओं के दुकान बंद करने की अपील पर अपनी स्वेच्छा से दुकान बंद कर प्रदर्शन का हिस्सा बने। बंदी का असर साफ तौर पर उर्दू बाजार, गीता प्रेस, रेती चौक, घंटाघर बाजार आदि विभिन्न चौराहों पर देखने को मिला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अधिवक्ता संघ के महामंत्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, कश्मीर के पुलवामा में जो है जो आतंकी घटना घटित हुई और जिसमें जो है भारत के जो है 40-44 जवान शहीद हुए और उससे अधिक संख्या में घायल हुए, उन सभी जवानों के प्रति जो है ये पूरा देश गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और इस आतंकी घटना की घोर निंदा और भर्त्सना करता है। पूरा देश 1,32,00,00,000 इस देश की जनता वह सैनिक के रूप में आज भारतीय सरकार के सामने प्रस्तुत है कि इस आतंकी घटना का जो सरगना है उसको और उसको संरक्षित करने वाले पाकिस्तान सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और जो भी जिस भी स्थिति से जो है वह सरकार निर्णय लेगी, यह पूरा देश भारतीय सरकार के साथ खड़ा हुआ है। भारत सरकार से यह भी मांग की जाती है कि विश्व स्तर पर पाकिस्तान को जो है वह जो है आतंकी राष्ट्र घोषित कराया जाए और इसके राजनीतिक आर्थिक जितने भी जो है संबंध है सारे देश इसे समाप्त करें। साथ ही साथ जो है इस जो है घटना के विरोध में आज हम बंद का समर्थन करते हैं। ये पुलवामा की घटना को लेकर के लोग शहीद दिवस मनाने के परिप्रेक्ष्य में बाजारों में घूम फिर करके लोगों से आग्रह किया, सब लोग शामिल हुए और शहीद दिवस उन्होंने मनाया।